आज हम देव गुरु बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझेंगे। क्या है इनकी ग्रेविटी और कैसे ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर सकती है, बात यहीं पर होने वाली है। इसी बात पर चर्चा होने वाली है। आप देखेंगे आपके ठीक नवम भाव पर देव गुरु बृहस्पति आए हैं, जो कि आपके भाग्य का भाव है। इतने इंपॉर्टेंट भाव पर, आपके किस्मत के भाव पर गुरुदेव आ करके आपके जीवन पर क्या करेंगे, और ये सबसे सटीक समय अभी का समय आप ध्यान देंगे, क्योंकि 14 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन से लेकर 19 जुलाई तक सबसे ज्यादा फल देंगे। क्या है इसका लॉजिक, क्या है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, सारी बातों को आप क्रम बाई क्रम समझेंगे। मेरा वादा है आपसे कि आपने जो समय यहां पर इस वीडियो पर दिया है, उसके एक एक मिनट का, एक एक पल का आपको हिसाब बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, जिसे जान करके आप अपने करियर को, अपने भाग्य को ज्यादा ग्रोथ तक, ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है, लग्न के आधार पर देखिए सटीकता आपको ज़्यादा बैठेगी, और यदि जानकारी नहीं है लग्न कौन सा है, तब तो इसे आप सिंह राशि के अनुसार देख ही सकते हैं, क्योंकि यह सिंह राशि के अनुसार आपको उतनी सटीकता बैठेगी। आइए प्रारंभ करते हैं, क्रम बाई क्रम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुरु का गुरुत्वाकर्षण है क्या। भाई आपके मन में भी डाउट होगा कि भाई गुरुत्वाकर्षण है क्या, तो आपको ले चलते हैं जर्मनी के उस दो वैज्ञानिकों के पास जिन्होंने रिसर्च किया, शोध किया है नासा की तरफ से, जिनका नाम था जेम्स ओडी और रेमी मेंडो। इन दोनों ने मिलकर के रिसर्च किया कि भाई सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसके पास है, क्योंकि पृथ्वी के पास है, सब जानते हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक गेंद लिया और गेंद को एक ग्रहों के तरफ उन्होंने उछाला, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पृथ्वी तक पहुंचने में उस गेंद को 14.3 सेकंड का समय लगा, और वही गुरु तक पहुंचने में मात्र 9 सेकंड का समय लगा। बाकी शनि राहु और बाकी नेपच्यून और ये प्लूटो इत्यादि तक पहुंचने में बहुत समय अधिक लगा। तो इस बात की प्रमाणिकता भी यहाँ सिद्ध हुई कि गुरु के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पर है। इसी प्रभाव को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अब अभी आपने समझा कि भौतिकी विज्ञान क्या कहता है, अब आपको समझाते हैं ज्योतिष विज्ञान कि ज्योतिष विज्ञान की क्या मान्यता है। ज्योतिष में एक मान्यता है कि जब कोई ग्रह 12 से ध्यान से समझिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है, कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य यदि है तो इसे युवा अवस्था माना जाता है, और इस ग्रह के पास जो फल देने की कैपेबिलिटी होती है वो 100% की होती है। इस हिसाब से जब 12 से 18 डिग्री पर गुरु आएंगे तो वो अपना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। आपने देखा कि 21 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब गुरुदेव आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर आए हैं। भाई इस भाव के कारक ही हैं गुरुदेव, और कारक भाव के स्वामी कारक भाव पर आकर के जीवन में कैसे आपको भाग्य उन्नति को प्रभावित नहीं करेंगे, आपकी उन्नति नहीं करेंगे, आप खुद जरा विचार कीजिए। अब समझते हैं 14 जून हमने एक एक पॉइंट पर विचार किया है। 14 जून 2023 के दिन 3 बजे दोपहर का वो समय होगा जब गुरुदेव अपने 12 डिग्री को प्रवेश कर जाएंगे। 14 जून के दिन 12 डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे, और कब तक रहेंगे तो हमने सभी एक एक दिन पूरा निकालते हमने 19 जुलाई तक निकाला। 19 जुलाई का वो समय होगा, 11 बजे AM का वो समय होगा, जिस समय पर ये 18 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब 18 डिग्री तक रहेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 14 जून से लेकर के 19 जून का जो समय है, इस टाइम पर ये 100% का रिजल्ट देंगे, युवा अवस्था में हो जाएंगे। युवा अवस्था का मतलब आप ये समझिए, हमारे जिस प्रकार से हमारी आयु होती है, हम भी पहले बच्चे होते हैं, फिर कुमार अवस्था आती है हमारी, फिर हम युवा होते हैं, फिर हम वृद्ध होते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रहों के पास भी डिग्रियों के अनुसार उनके बलत्व को जांचा जाता है। तो जब 12 से 18 डिग्री होते हैं युवावस्था होते हैं, 6 से 12 डिग्री हुए कुमारावस्था, 0 से 6 डिग्री हुए बालावस्था, और इधर जब 18 से 24 डिग्री हुए तो वृद्धावस्था, और 24 से 30 डिग्री में कोई ग्रह मृत अवस्था हो जाता है। तो यहाँ पर यह गुरुदेव अभी क्या है, युवावस्था में आ जाएंगे 14 जून से 19 जुलाई तक। बस अब इसके बाद हम लोग अब प्रवेश करते हैं चार्ट में। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक मिनट भी आप स्किप मत कीजिएगा, मेरा मानना है आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। अब समझते हैं लगन के स्वामी कौन हो गए आपके, लगन के स्वामी कौन हो गए, सूर्य नारायण हो गए। अब सूर्य भगवान ने जब डिपार्टमेंट बांटा सभी ग्रहों को, तो उन्होंने पंचम भाव का डिपार्टमेंट, जो सर्वाधिक सुंदर सबसे उत्तम होता है, पंचम भाव का डिपार्टमेंट गुरु को दिया। अब एक तरफ पंचम दिया, और दूसरी तरफ अब उन्होंने नवम भाव का डिपार्टमेंट भी इन्हीं जुपिटर को सौंप दिया। भाई आप इन दोनों भाव को संभालिए, क्योंकि यही दो भाव आपके पास हैं, जो कि ज्योतिष के अनुसार लगन, पंचम और त्रिकोण नवम से के अलावा कोई शुभ ग्रह है ही नहीं, सबसे उत्तम शुभ घर इन्हीं को माना जाता है।
जहां पर गुरु का आधिपत्य है। अब जैसे ही गुरु यहां पर आए और जिस टाइम पर यह डेट आएगा उस दिन को समझिएगा कि गुरु आपके नवम भाव पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देंगे। एक तो अब पहले, दूसरा युवा अवस्था होने के कारण 100% का रिजल्ट देंगे। सीधा सा मतलब यही हुआ कि भाग्य में एक बहुत अच्छा सूचक यहां पर आपको मानना चाहिए कि भाग्य भाव पर गुरुदेव युवा होंगे भाई, तो भाग्य को कैसे मृत रहने देंगे। भाग्य पर एक जागृति आ जाएगी, एक अच्छापन आ जाएगा और इसके प्रभाव से हम मानिए कि आपके भाग्य, आपकी किस्मत की चाबी आपके पास कोई ना कोई रूप में आपके पास आ जाएगी। लगता है यदि आपको कि मेरे किस्मत बहुत दिन से सोई हुए हैं, किसी कारण से मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा है, किसी कारण से आपको लगता है मेरे प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, दिन रात मैं मेहनत करता हूं, दिन रात मैंने आंसू बहा लिए, कोई मेरे उन आंसुओं को सुनने वाला नहीं है, गुरुदेव से बड़ा आपके हितैषी कौन हो सकते हैं। नवम भाव के स्वामी नवम भाव में आए हैं भाई, विश्वास कीजिए इससे अच्छा कोई समय आपके लिए हो ही नहीं सकता। साल भर पूरे गुरुदेव रहेंगे और इस टाइम पर और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो भाग्य उन्नति के लिए एक अच्छा समय आपको इस मध्य देखने को मिल सकता है, 14 जून से 19 जुलाई के मध्य में कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा। यही वो स्थान है जो आपके उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट दिलाएगा। कोई इंसान है जिससे आपको सपोर्ट चाहिए परंतु आप बोल नहीं पा रहे हैं या फिर उनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, उस दोनों ही कंडीशन पे यहां पर गुरुदेव आपकी हेल्प करेंगे, उनसे आपका काम बनवाएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन उच्च शिक्षा प्राप्त जो करने वाले विद्यार्थी हैं, यदि आप भी उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप क्या जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस पर भी आपको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। यह वो स्थान है, आपको वहां पर स्किल्स आपको सीखनी होंगी। गुरुदेव यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिखाने के लिए आए हैं, ज्ञान की वृद्धि आने आए हैं। नवम भाव ही आपका आध्यात्मिक क्षेत्र भी होता है, इसलिए देखेंगे आप इस टाइम पर सबसे ज्यादा आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रफुल्लित पाएंगे। अधिकतर आपका मन पूजा पाठ धर्म कर्म में ज्यादा लगेगा। किसी प्रकार से यदि आपने धर्म स्थान से आप जुड़ गए तो आप मानिए कि गुरु को आपने वैसे भी जागृत कर लिया। धर्म स्थान, देव स्थान, तीर्थ यात्रा, ये सारे जगह आपके नवम भाव हैं और उन भावों के सबसे मजे की बात तो ये हो गई, उन भाव के कारक ही गुरुदेव हैं। आप ये मानिए कि भाई मैं जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है जो स्थान, मैं वहीं पर पहुँच गया, कैसा फील होगा आपको? आप सोचेंगे भाई कितना अच्छा लग रहा है मुझे। सेम इसी प्रकार से गुरुदेव को, भाई एक पुजारी को क्या चाहिए, गुरुदेव क्या है, एक पुजारी है, एक संत है, और एक संत को एक धर्म का स्थान मिल गया जो कि नवम भाव है, तो उनके लिए कितनी अच्छी विडम्बना उनके जीवन में है, वो कितना अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मानना है, एक भाग्य उन्नति का एक सुंदर दौर यहाँ पर गुरुदेव आपको प्रदान करेंगे अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। अब समझते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण का मतलब यही होता है आपस में खिंचाव, तो गुरुदेव किसको खींचेंगे? गुरु के पास सबसे अधिक बताया आपको कि 9 सेकंड में गुरुदेव के पास गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो सकती है, 9 सेकंड में पहुंच जाती है। तो हमारे जीवन में जहां पर गुरु की दृष्टि होगी, ध्यान से समझिएगा, गुरु की जहां पर दृष्टि होगी उस भाव को वो खींचेंगे आपके नवम भाव पर। तो कहां पर है, तो पहली गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9वीं दृष्टि गुरु के पास है। अब 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु की पहली दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। इससे अच्छा क्या लेंगे, लगन पर नवम दृष्टि, नवम भाव से लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब लगन कौन हो गया, मेरा शरीर हो गया, मैं स्वयं लगन हो गया। अब लगन को जब खींचेंगे नवम भाव पर, इसका मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दे दिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई कि मैं अपने जीवन को, भाग्य को कैसे उठा पाऊँ, भाग्य को कैसे अच्छा बना पाऊँ, क्योंकि भाग्य भाव से देख रहे हैं कैसे मेरा शरीर गया है नवम भाव पर। आप देख लीजिएगा अधिक धार्मिक कार्य आपके इस समय पर सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक आपके धार्मिक कार्य होंगे। गुरुदेव 1 साल तक यहाँ रहेंगे, 1 साल तक धार्मिक कार्य कराएंगे, अच्छे कर्मों पर कोई तीर्थ यात्रा का योग भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो ये टाइम है, ये और भी सोने पे सुहागे का समय होगा। काम करना है अपने ऊपर, लगन को खींच रहे हैं मतलब कहना ही क्या, आपके व्यक्तित्व में वो निखार आ जाएगी, बोल चाल, रंग रूप, सौंदर्य, इन सब लिहाज से एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। और यही आकर्षण ही तो है गुरुत्वाकर्षण, जहाँ जिसको जिसको अपनी ओर आकर्षित गुरु कर पाए वही तो गुरुत्वाकर्षण है। इसको आपको समझना है। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव का है क्या भाई, तो तीसरा भाव हो गया आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन का। इन इतने अच्छे भावों पर गुरु की दृष्टि होना आपके साहस में वृद्धि करेगा। मेरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं किसी कार्य को करने के लिए, गुरुदेव की दृष्टि है,
आपको ये नहीं भूलना है, गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र और पावन हो जाता है। गंगा जल क्या करता है? गंगा जल बड़े से बड़े पतितों को भी पावन करता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भाग्य भाव से बैठ करके भाग्य को पावन करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को दे करके आपके कॉन्फिडेंस में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। कभी कभी होता है, देखिए भूलना नहीं, यहीं पर राहु देवता भी साथ बैठे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। राहु और गुरु दोनों में अभी गुरु ज़्यादा बलवान है, 100% की डिग्री में इस टाइम पर रहेंगे, इसलिए आपको राहु से किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु के दोष को का समन गुरुदेव करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ती है 5, 7, 9 स्थानों पर उन्हीं भावों पर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ती है, ये आपको भूलना नहीं है। जहाँ जहाँ राहु भय और भ्रम की स्थिति बना रहा है, गुरुदेव अपने कमंडल से जल निकाल करके उसी भाव को पवित्र कर रहे हैं, आपके तीसरे भाव को। कोई एक अनुबंध हो सकता है इस बीच में, कोई एग्रीमेंट, जरूरी नहीं कि वो एग्रीमेंट लिखा पढ़ी का ही हो, कोई राइटिंग का ही हो, एक वाचिक अनुबंध भी इस समय पर हो सकता है। आपके बाहुबल में एक वो क्या बोलना चाहिए, हिम्मत की स्थिति यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर बनाने की स्थिति रहेगी। अब गुरु की अगली दृष्टि की बात करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर सातवीं आई थी तो 7, 8, 9, तो गुरु की अगली दृष्टि आ रही है हमारे पंचम भाव पर, नवी दृष्टि। क्या लेंगे भाई, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या मानेंगे आप भाई? एक तरफ तो गुरुदेव नवम भाव पर बैठे हैं जो कि स्वयं भाग्य का है, दूसरे तरफ से ये त्रिकोण भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। माना जाता है कि गुरु की नवम दृष्टि स्वयं भाग्यवर्धक होती है, तो भाग्य के लिहाज से कितना अच्छा हो गया। पंचम भाव आपके जीवन में आपका एजुकेशन है, तो जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई सर्वाधिक उत्तम समय हो गया। उनके शिक्षा में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को यहाँ मिल सकता है। जो संतान संबंधी यदि कोई चिंता है, संतान के प्राप्ति में चिंता है, संतान यदि आपको लगता है कि संतान के कैरियर के लिए, उनके जीवन के अच्छाई के लिए मुझे कुछ काम करना है, तो ये तो समय अनुकूल है ना भाई। इस समय पर गुरु की कृपा आपको मिल रही है और वही पंचम भाव आपका जागृत हो रहा है। पंचम भाव ही आपके प्रारब्धों का प्रतिफल भी है, इसलिए आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उन सब कर्मों का प्रतिफल भी, अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी गुरुदेव यहाँ पर देंगे। गुरुदेव जहाँ देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। गुरुदेव जहाँ पर देख रहे हैं उस भाव को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खींचते हैं अपने तरफ। तो आपको समझिएगा, सीधा लॉजिक लगाइएगा, पंचम भाव को खींचेंगे नवम भाव पर, ठीक है? पंचम भाव का आएगा आपकी शिक्षा, तो शिक्षा को खींच दिए धर्म, मतलब आपके भाग्य पर। आपके भाग्य उन्नति किससे होगी? अच्छे शिक्षा से होगी। आपके संतान के द्वारा भाग्य उन्नति होगी, आपके शेयर मार्केट से भाग्य उन्नति होगी, मतलब वो सबको खींच रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। आपके बुद्धि विवेक, पंचम भाव बुद्धि विवेक है हमारा, तो हमारे बुद्धि विवेक से हमारा भाग्य उन्नति होगा। आप ये माने कि हमारे निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं इस टाइम पर, इतने सारे पॉजिटिव फल हैं। उसके बाद भी यदि हमारा जीवन लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, मतलब ये समझे कि हम में कोई कमी है, हम में विश्वास की कमी है। माना जाता है विश्वासम ही फलदायकम है, इसलिए विश्वास कीजिए और इस जो गुरु के प्रभाव को जीवन में लाइए। कैसे इससे और अच्छा एक्टिवेशन में ला सकते हैं? तो माना जाता है जो पीपल का वृक्ष होता है वही साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष पर जाकर के उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना, तीनों ही हमारे जीवन में भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरुदेव आए हुए हैं। पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, प्रारब्ध का प्रतिफल देंगे, ऊपर से हमारे लगन पर दृष्टि आकर के हमें इतनी कैपेबिलिटी भी दे देंगे कि हमारे जीवन में बहुत उन्नति हो। और दूसरा उपाय बताया गया है कि वहाँ उस स्थान, आपके घर का जो ईशान कोण है वो स्थान साक्षात देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर है यही ईशान कोण है। यहाँ पर आप यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो वहाँ गुरुदेव की एक तस्वीर लगाइए, घर में ईशान कोण में लगाइए, या फिर अपने कमरे पर भी लगा सकते हैं, अपने कक्ष में लगा सकते हैं, वहाँ गुरुदेव की एक तस्वीर लगा सकते हैं। हालांकि बेडरूम में ऐसी मान्यता है कि मतलब गुरु या किसी भगवान की जिनकी हम पूजा करें उनकी नहीं लगानी चाहिए, परंतु ईशान कोण सर्वाधिक उत्तम होता है। ईशान कोण कहेगा आपके जीवन में बढ़ोतरी का, आपके जीवन में उत्पन्नता का प्रतीक माना गया है ईशान कोण को, इसलिए वहां पर जब गुरुदेव बैठते हैं उनका स्थान ही है, तो उस भाव को जागृत कैसे नहीं करेंगे? वो भाव जागृत हुआ, आपके जीवन में सारी शुभताओं का आगमन वहीं से होना है। गुरु मंत्र यदि आपको ज्ञात है तो अपने गुरु का मंत्र जाप कीजिए। गुरु मंत्रों से बहुत शक्ति प्राप्त होती है, बहुत जीवन में बाधाएं कष्ट जो है दूर होती हैं और हमें अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद यही वो भाव गया, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे तो कोई गुरु नहीं है, मैं किसे गुरु बनाऊँ? तो जिस पर आपकी श्रद्धा हो वही आपके गुरु हैं, आप उनसे दीक्षा लीजिए,
या फिर नहीं ले पाते तो सारे जगत के गुरु माने गए हैं भगवान शिव शंकर जी को, वही उनकी तस्वीर लगा करके उनका ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, सदा जीवन में मंगल परिणाम को आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, मेरे समझाने के प्रयास को यदि आपने सार्थक जाना है, मेरी मेहनत को यदि आप समझ रहे हैं कि आपके लिए किसी काम आ पाया, तो मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझूंगा। अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके लाइक और कमेंट की बदौलत ही तो हम भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करके आपके सामने आते ही रहते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।